कल लगो ना बहुत बढ़िया हम। और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है सेण गाँव का जो कि, और हम 8:30 बजे निकले थे भलगांव से और 9:30 बज गए द्वारिखाल में। ठीक से वहाँ फोन कर बहुत मेहनत से बनाया था हमने। अरे दोस्तों क्या हाल चाल, उम्मीद है कि आप भी बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। और कब 2 दिन गांव में बीत गए कुछ पता ही नहीं चला, तो आज 3रा दिन है और आज हमारी तैयारी है गांव से शहर जाने की। और हम जा रहे हैं भलगांव वाले रास्ते से, तो 8:30 बजे गाड़ी जाती है वहाँ से, तो सबसे पहले जल्दी जल्दी तैयार होते हैं क्योंकि विकास भैया और शिकत दी भी हैं तो टाइम लगेगा, तो तैयार होते हैं और उसके बाद अपने गांव को बाय बाय करते हैं और फिर निकलते हैं। और अभी अभी सनराइज़ हुआ तो देखो सुबह का कुछ माहौल ऐसा है। और यहाँ नीचे बन रही है रोटियाँ, नाश्ता कर लेते हैं। और आज नाश्ते में है आलू के गुटके, गुंडुल, पूड़ियाँ। ठीक है हमें छोड़ने तो आओ कोई। ठीक है भाभी बाय बाय, कब आओ क्या? हम आ जाएंगे, पता नहीं देखो कब आते हैं, कल परसों से कभी भी आ जाएंगे। ठीक है वहाँ फोन कर रहे हैं, दांत दांत दिखे दांत, ठीक है दांत। तो जो कल हमने अपना आशियाना बनाया था ना उसको देख के चलेंगे। तुम आशियाना भी आ रहा है ना, चलो भाई अपने आशियाने को भी बाय बाय बोलते हैं, अपने गांव को भी बाय बाय बोलते हैं और चलो चलते हैं अपने सफ़र में। बहुत मेहनत से बनाया था हमने, तो अगर आपने इस आशियाने का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके ज़रूर देखो। और ये भाई साहब के उल्टे काम देख लो भाई, ये वाले फूल देखो क्या मस्त कलर के हैं। चलो ठीक है तब बाय बाय, तब अच्छे से रहना। अच्छे तुम जाना उनको ढंग से लेके जाना। हाँ ठीक है अच्छे से गांव में। हाँ हाँ चल तू जा, ठीक है भाभी का ख्याल रखना। हाँ हाँ जा तू जा, ठीक है। अरे जा यार, ठीक है। और ये देखो वीडियो के चक्कर में, चल हट जा, चल हट जा। और अभी टाइम हो रहा है 6:40, देखते हैं यहाँ से भलगांव तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। अंकित भैया मेरे गाँव पहुँचते ही हमारा स्वागत एक कुत्ता कर रहा है, सेम टू सेम वो हस्की नहीं लग रहा है। हो गया स्वागत, अब चलो टाटा बाय बाय का टाइम है, चलो टाटा बाय बाय। जय नमस्ते, बैठे हैं क्या करना चाह? अंगूर भी लग रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अंगूर लग रखे थे और भैया ने अंगूर दे दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। बीमल की टहनिया है ये, बीमल की टहनिया, और इसको 2-3 महीने के लिए पानी में डाला जाता है और तब रस्सियाँ निकाली जाती है। और इसको मतलब आग जलाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे चीड़ का पेड़ होता है ना कि जल्दी आग पकड़ता है, वैसे ही पकड़ता है ये भी जल्दी। चलो मेहरगांव को भी बाय बाय बोलते हैं, चलो। अंगूर बहुत मीठे हैं तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद अंगूर देने के लिए। चढ़ाई में तो दोस्तों भलगांव गांव भी हम पहुंच चुके हैं। नमस्ते, पैर नहीं आना, तो कगबटे लाना पैर। अच्छा टाइम टाइम पर पैर हुई है आजकल। दोस्तों हम भी पहुंच चुके हैं रोड तक और यहां से जाएगी ये वाली गाड़ी और यहां पे सभी वेट कर रहे हैं। चलो भाई गाड़ी भी अब रेडी है चलने के लिए। दोस्तों पहाड़ों के गांव में गाड़ियां रहती है कम, सवारियां हो जाती हैं ज़्यादा, तो तब जान जोखिम में डाल के ही तब सफ़र करना पड़ता है। तो देखो सब बैठ चुकी हैं सवारियां, पर तो मज़ा आता है जोखिम का है। हाँ मतलब मज़ा भी आता है लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू दो हो जाते हैं ना। आप क्या गाँव से आओ? हम बड़गांव का। बड़गांव की चाह अभी
क्या नाम था आपका? जगमोहन। कहाँ लगो ना तब? बहुत बड़े लगो। छत मत मजा। और सिखा दी बैटरी की यहाँ नीचे। ये हमारा वाटरफॉल है गाँव का, 12 महीने ऐसे चलता रहता है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं द्वारिकाल बाजार और 1 घंटा का सफ़र मस्त छत में करके आ गए हम। और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है सेण गांव का, जो कि जनरल विपिन रावत जी का गांव है। मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर आगे से एक रोड कटती है, तो वहाँ है सेण गांव। और हम 8:30 बजे निकले थे भलगाँव से और 9:30 बज गए द्वारिकाल में। तो अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे गाड़ी का, और सबसे पहले हम चेलोसेन में अपनी स्कूटी उठाएंगे, उसके बाद हम प्लान बनाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं हम घूमने, आसपास ही घूमेंगे। कैसा लग रहा? बहुत मस्त, बहुत अच्छा व्यू है। आपको कैसा लगा? मजा आ रहा है गाड़ी के छत में बैठ के। मैं बहुत बार बैठा हूँ लेकिन आज भी अच्छा लगा बहुत। अरे भाई 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 भाई, भाई, भाई। तो अब हम जा रहे हैं रोड में पैदल पैदल, और जहाँ पे गाड़ी मिल जाएगी वहाँ पे लिफ्ट ले लेंगे। तो अभी हम टाइम पास के लिए टाइम पास ले रहे हैं, तो ये हमने टाइम पास ले लिया है, इसका नाम ही टाइम पास है। अंकल जी नमस्ते। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते। नमस्ते। और ठीक? बस अंकल। आज कहाँ? आज जरे गाँव यहाँ चाहिए ये बटिया। अब चोलसेन जाना चाहे, चोलसेन हम चाहे स्कूटी खड़ी। अच्छा। और जो अंकल जी हैं वो सुरेश ससवाल जी के चाचा जी हैं। आप कैमरा में आना चाहे? ताऊ जी। ताऊ जी। ताऊ जी। ताऊ जी। चाचा बोल दिया गलती से। चलो ठीक है। नमस्ते। कैसा हो रहा टाइम पास? बढ़िया बढ़िया टाइम पास है। बढ़िया टाइम पास है। तो फाइनली हमें लिफ्ट मिल गई। इतनी खुशी है मुझे आज। तो चलो यार चेलोसेन पहुंच गए। थैंक यू भैया लिफ्ट के लिए। थैंक यू भैया। और सुशील क्या हाल चाल? बढ़िया। पहले हम लेंसडाउन जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन लेंसडाउन जाने में भी टाइम लग जाएगा, तो आसपास ही घुमा दूंगा विकास भैया से कभी को, और उसके बाद आराम से निकल लेंगे ऋषिकेश के लिए। तो यह है अपना बाजार चेलोसेन बाजार, जो कि काफ़ी खूबसूरत है यार। और अभी का माहौल देख लो। मुकेश भैया की शॉप यहाँ पे बंद है अभी। वाह यार क्या मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। क्या प्रणाम? तैयार होगी? अच्छा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बढ़िया घूम के आ गए? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। अच्छा और सब बढ़िया? हाँ। गर्मी हो रही होगी उधर है ना? ऋषिकेश में तो गर्मी है ना? ना गाँव में नहीं ठीक है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा गर्म है। हाँ, यहाँ से गर्म है। और अमन क्या हाल चाल? हाँ यार अभी चेलोसेन का वेदर जो है ना वो काफी ठंडा ठंडा है भाई, मस्त हवा चल रही है। यहाँ से दोनों घाटियों का व्यू पॉइंट है, इस साइड की और इस साइड की। और यहाँ आगे ठीक आगे है मष्टघाट, और आगे यह है पुलियासु गांव, और वहाँ है नीलकंठ महादेव।
वहाँ बैठे हैं हमारे नीलकंठ महादेव। ये रोड जस्ट अभी कटी है और अभी पक्की हो रही है साथ ही साथ में, यहाँ नीचे ऐसी लगाऊ। अच्छा, तो इसके पीछे नीलकंठ के पीछे फिर हमारा ऋषिकेश है। हाँ, ये इस जगह का सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट है। अच्छा, हम इधर से यहाँ से हिमालय भी दिखते हैं, लेकिन हिमालय इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि धुंध लग रखी है। हम इस रोड से जाएंगे ना, ये हाँ ये वाली रोड। नाइस। वो कौन सा गांव है? ये वाला गांव है, मस्त गांव है। अच्छा, ये पाली और क्यार में से एक गांव है। हम लोग का गांव सब इस तरफ रहेगा, हमारा गांव इससे उधर नीचे। अच्छा,